कोरोना महामारी के बचाव में लगे योद्धाओं की मदद करने के लिए कई संगठन सामने आ रहे हैं और यही नहीं, सोशल मीडिया पर इनको राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड देने की भी चर्चा हो रही है। ऐसा इसलिए कि इनके बगैर कोरोना की जंग जीतना संभव नहीं है। इस बीच देश में पहले पायदान पर आए भीलवाड़ा मॉडल के बाद जिले के करेड़ा उपखंड में लादुवास ग्राम पंचायत ने कोरोना योद्धाओं को भूखंड देने का प्रस्ताव पास किया है। इसके बाद उसे जिला कलेक्टर को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। संभवतः ऐसा प्रस्ताव बनाने वाली यह प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत है। बैठक में सरपंच मुरलीधर जोशी ने कोरोना योद्धाओं को भूखंड देने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव उन्होंने गांव में कोरोना महामारी को रोकने में लगे कोरोना योद्धाओं के लिए पारित किया है। जोशी ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में कोरोना महामारी को देखते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करने वाले फाइटर्स का आभार व्यक्त करने के लिए भूखंड देने का प्रस्ताव पारित किया है। हमारी ग्राम पंचायत लादुवास सरपंच के नाते मेरा भी ये कर्तव्य बनता है, मैं भी मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी के आदेश की पालना करूं। इसके अंदर पूरी ग्राम पंचायत लादुवास में 2 बार सैनिटाइजर किया गया। इसके अंदर जितने भी जो हमारी टीम थी वो घूम घूम के गली गली में पूरा सैनिटाइज किया गया लोगों का, और यहाँ पे जितने भी कर्मचारी जो लगे थे ANM GNM स्कूल के टीचर्स एवं पंचायत के कर्मचारी, इनकी जिनकी ड्यूटी लगेगी, जिनको कोरोना फाइटर के नाम